वालों ने पता नहीं क्या रोड को ब्लॉक किया हुआ है, कोई कांड हुआ है यहाँ पे कोई आई गेस। तो ये पुलिस की गाड़ियाँ या इन्होंने बैटरी का टर्मिनल डिस्कनेक्ट कर दिया कि जो इसका लिम्प मोड में ही गई हुई है कि इसको जो इंजन। गाइस फाइनली हम अपना द रियल ब्लैक बुल इसको पिक करने आ गए हुए हैं, रेडी हो हम लेके आ गए हैं वॉश कराने के लिए। वैसे बंद होने वाला है तो बहुत गंदी हुई है, नुकसान बहुत हो गया और अपना भी कार वॉश कराने, अपनी बॉडी वॉश करानी पड़ेगी। ये सनी पैरों में पानी मारेगा, थोड़ा बहुत साफ कर लेते हैं। वैसे तो ये मना करके थे क्योंकि लेट हो गया, ये बंद कर रहे थे, ईद थी तो इन्होंने जाना था। तो अभी मेरे से मेरे भाई से और हमारा भाई इनसे जितने भाजी नाम की थोड़ा ये अमनदीप भाजी साढ़े पंजाब तो ने अपने भरा ने इन्होंने हेल्प की थी, अदरवाइज कितने गड्डी साफ होनी थी। थोड़ी बहुत ही हुई है, ज़्यादा नहीं हुई, बाकी हम कल करेंगे ठीक है, कल इनको देंगे प्रॉपर डिटेलिंग के लिए। आ जाए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम रेडी हो रहे हैं, नए शूज़ पहन रहे हैं आज पहली बार, देखते कैसे निकलते हैं। क्योंकि हमेशा जब भी मैं काम पे नए शूज़ पहन के जाता हूँ पैर मेरे बहुत दर्द होते हैं, देखते आज दर्द होंगे कि नहीं होंगे, जराबे होंगे देखे आनी पड़ेगी। ठीक है, मिलते हैं आपको बाहर क्योंकि हमारी गाड़ी अभी भी ख़राब है कल से ऑफ रोडिंग से, तो देखते हैं फिक्स होती कि नहीं होती। तो गाइज अभी हमने इसका बैटरी का टर्मिनल डिस्कनेक्ट कर दिया कि जो इसका लिम्प मोड में ही गई हुई है, कि इसको जो इंजन साइन आया मोस्ट प्रॉब्ली इसकी वजह से आया है कि भाई हमारा पानी गया है या फिर एयर फिल्टर गिला हो गया या एयर फ्लो में डिफरेंस आ रहा होगा मैप सेंसर की वजह से। तो हमें अभी तो यही किया है कि भाई इसका हमने वो डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी टर्मिनल 4-5 मिनट 10 मिनट के लिए, उसके बाद कनेक्ट करेंगे, क्या पता इसका जो वो साइन है इंजन साइन चला जाए। तो इसमें कोई पावर नहीं आ रही, तो ये भी एक तरीका होता है इसको क्या कहते हैं ना रीबूट करने का कंप्यूटर को, क्योंकि ऐसे कंप्यूटर पूरा बिल्कुल पावर नहीं जाएगी, कंप्यूटर बिल्कुल ऑफ हो जाता है, जब उसको रिकनेक्ट करेंगे वो रीस्टार्ट होगा तो उसको जो एरर आ रहा होगा मे बी वाटर की वजह से आ रहा हो या जिसकी और वजह से आ रहा हो वो वापस उड़ जाएगा, क्योंकि अभी तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं। तो अभी लिम्प मोड में है गाड़ी, लिम्प मोड में मतलब वो पावर नहीं दे रही, तो गाड़ी पावर रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि और ज़्यादा डैमेज ना हो अगर किसी चीज़ से हो रहा है। तो देखते हैं अभी कनेक्ट करके 5 मिनट में फिर आपको दिखाते हैं कि भाई इंजन साइन गया कि नहीं गया, अगर नहीं गया तो फिर बाहर मैकेनिक से एक बार चेक करा लेंगे। तो गाइस अभी हमने इसको कनेक्ट करा दोबारा बैटरी को, इंजन साइन अभी भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें एक बार बाहर से स्कैन करवाना पड़ेगा, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अब इसको कनेक्ट करते हैं, चलाते हैं, जो काम करने हैं वो करते हैं, उसके बाद इसको स्कैन करवाते हैं ठीक है। तो गाइस बता दूँ हमने सैटरडे ऑफ रोड करा था, देखो ये इंजन साइन अभी भी आ रहा है और ये हमारा पुराना गंदा एयर फिल्टर पड़ा और देखो अभी तक गंदा पड़ा हुआ है। हमने गाड़ी अभी बाहर से ज़्यादा थोड़ा बहुत पानी मार दिया था, अंदर से बहुत गंदी है। आज करते हैं इसको क्लियर और देखते हैं सारा कुछ काम कराएंगे, काम बहुत है और टाइम थोड़ा है और लेट उठे हैं सुबह, चलो मिलते हैं थोड़ी देर। तो गाइस हम जा रहे थे, हमारे घर से एक ही एग्जिट पड़ती है जो ये है, जिधर आज पुलिस वालों ने पता नहीं क्या रोड को ब्लॉक किया हुआ है, कोई कांड हुआ है यहाँ पे कोई आई गेस। तो ये पुलिस की गाड़ियाँ या इन्होंने बैरियर लगाया, आगे फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगी है, 4-5 पुलिस की गाड़ियाँ हैं, आई डोंट नो क्या हुआ है, जाके पूछते हैं कि भाई जा सकते हैं क्या कर सकते हैं, भाई काम पे जाना भाई हमें, चलो देखते हैं। वैसे हमारा बम्पर भी बड़े अच्छे कमेंट रहा है कि बम्पर बहुत अच्छा है इस गाड़ी का, अभी थोड़ा सा डैमेज था और गंदा बहुत ज़्यादा हुआ है, तो बाहर से भी इतनी साफ नहीं है, बहुत गंदी है, कराएंगे इसको प्रॉपर डिटेल कराना है। हमारा आई थिंक फुट स्टेप कोई टूटा था, ये वाला नहीं था, दूसरी साइड का फुट स्टेप टूटा था, ये देखो अभी को ये अभी भी टूटा ही हुआ है क्योंकि इसके माउंट नीचे से टूट गए हैं, कहीं से नीचे से, ये देखो वाओ यहाँ से माउंट टूट गए, बोल्ट टूट गए, चलो
देखते हैं काम बहुत है कराने वाला, करते हैं। हमें डिफेक्ट मिला था कि हमारा एक मड गार्ड, एक मड गार्ड छोटा है, एक लंबा है, क्योंकि वो राइट हाइट है, उसको हम काटेंगे अभी तो मड गार्ड करेंगे। हमारे पास ग्राइंडर से इसको काटते हैं और इसकी हाइट फिक्स करते हैं। नया भी ले सकता हूँ बट बहुत मेहनत है यहाँ से खोलो, फ्यूचर में कभी अगर हुआ तो हम लगा देंगे नया, बट अभी तो हमें यही लगाना पड़ेगा। काट तो काट दिए और इसको थोड़ा सा अभी स्मूथ करते हैं, अगर बेसिकली इसकी बैटरी की पावर ख़त्म होगी तो थोड़ा बहुत कर देते हैं, ज़्यादा होगा थोड़ा बराबर लंब हो गई है अभी, सुंदर तो नहीं लग रहा बट अभी ले काम चलाओ ठीक है, बाद में नया लेके डाल देंगे। अभी जा ही रहे थे तो इसका हमने डिफेक्ट क्लियर कराना है मैकेनिक से, तो इसका भी हम विन नंबर ले लेते हैं क्योंकि इसका हमने फिल्टर लेना है और मैकेनिक से भी पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। चलो ट्रक हमारा प्राइम मूवर ये, तो गगन मैं से पूछा कि यार इतने सारे इसमें बटन्स हैं, इतने सारे गेजेस हैं, ये है किस चीज़ के लिए, तो मैं आपको गगन को भी बताता हूँ आपको भी दिखाता हूँ। इतना अब ये एयर बैग कितने अगर नीचे हुए हैं जब मैं ड्रॉप करता हूँ एयर बैग यहाँ से पिछले, तो कितने नीचे हैं कितने ऊपर हैं, ये वो गेज दिखाता है। तो ये गेज है फ्यूल, ये दिखाता है फ्यूल, ये गेज है ये ऑयल प्रेशर दिखाता है, ये गेज है ऑयल टेम्परेचर दिखाता है, इंजन ऑयल टेम्परेचर, ये गेज है ये वाला, ये टर्बो का बूस्ट दिखाता है कि टर्बो में कितना बूस्ट आ रहा है, ये गेज है ऊपर वाला, ये वाटर टेम्परेचर दिखाता है, ये गेज है बैटरी में कितनी वोल्टेज है वो दिखाता है, और ये तो ऑब्वियसली बात है आरपीएम, ये किलोमीटर पर आवर स्पीड, और जो ये दो गेज हैं इसमें दो बड़े बड़े एयर टैंक्स हैं ब्रेकिंग के लिए उसके लिए, ये वो दिखाते हैं, ये ट्रांसमिशन फ्लूड उसका टेम्परेचर दिखाता है, ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूड ऑयल का, ये एक और सॉरी ये थर्ड वाला ये एयर बैग में कितना प्रेशर है उसका दिखाता है, ये एक्सल का एक्सल के अंदर जो ऑयल है हमारे एक्सल डिफरेंशियल के अंदर उसको टेम्परेचर दिखाता है, और जो साथ वाला भी दूसरे वाले डिफरेंशियल का जो पीछे दो डिफरेंशियल है, बस यही है। और यहाँ पे टर्बो टाइमर है जो कि समझ लें कि जब हम ट्रक काफ़ी देर चला के आए तो हमारा ट्रक ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, टर्बो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उसको हम अचानक ठंडा नहीं, कहते हैं ना कि कोई किस चीज़ को अचानक ठंडा नहीं करना चाहिए, अचानक बंद नहीं करना चाहिए कि वो ऐसे जब लोहा एक्सपैंड करता है वो कूल होने पे आई थिंक एक्सपैंड करता था, तो वो अच्छा नहीं है इंजन के लिए भी और बेसिकली टर्बो के लिए, तो ये क्या होता है कि टर्बो टाइमर क्या कहता है कि भाई उतनी देर तक ट्रक को ऑन रखते हैं जब तक टर्बो थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता, फिर ये बंद कर देता, तो इसका ये काम है बस, बाकी सिंपल है। बाकी ये थोड़े गेजेस हैं, ये एयर बैग ड्रॉप करता है पीछे से और लेवल करता है, ये एक डिप लॉक का, ये सेकंड डिप लॉक का, दो डिप लॉक्स के हैं, क्रूज कंट्रोल, ट्रेलर ब्रेक्स, ये ट्रेलर ब्रेक है पार्किंग ब्रेक ट्रेलर की, और ये प्राइम मूवर की पार्किंग ब्रेक है, ये छोटा वाला हॉर्न है आना चाहिए पी पी, ये देखो यहाँ पे ये बड़ा वाला हॉर्न है, वो चीज़ें, ये रेडियो है अगर दूसरे ट्रक वाले से बात कर रहे हैं तो इससे हम बात कर सकते हैं, हमारा एक चैनल फिक्स होता है कि भाई इस चैनल पे हम ट्रक की इस चैनल पे बात करेंगे। बाकी सर आपके जो राइट साइड है वो कौन सा राइट साइड, ये हैंडल के उस साइड गियर्स, अच्छा ये हाँ। अच्छा ये सेमी ऑटोमेटिक है ये ट्रक ना, जैसे मतलब इसमें क्लच भी है, और अभी क्या इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ता है कि सिर्फ चलाते जब एक बार हम रुके हैं स्टेशनरी जगह पे, उसके बाद हमने इसको चलाना है ना अगर रन करना है, तो एक बार हमें जैसे नॉर्मल गाड़ी मैनुअल गाड़ी का क्लच में डालते हैं ना, फिर हाथ से गियर नहीं डालते इसका वो वाला मैनुअल नहीं, यहाँ से ड्राइव में डाल दिया फिर आसा सा क्लच पड़ा, उसके बाद अब चल रहा है तो मेरे को बार बार गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है, खुद ही गाड़ी चेंज करेगी गियर, और जब रोकना है तभी हमें क्लच दबा के इसको रोकना पड़ेगा, तो वहाँ से ड्राइव न्यूट्रल रिवर्स सब यहाँ इससे होता है, ये इंडिकेटर्स के लिए, और ये हैजर्ड है मतलब इसमें इंजन ब्रेक बहुत जरूरी है क्योंकि
सिर्फ अगर ब्रेकों के ऊपर छोड़ो तो गाड़ी रुकेगी, बट इंजन ब्रेक के बहुत ज्यादा वॉर्न आउट होंगी और ब्रेक फेल होने का भी बहुत चांसेस है। तो इन्होंने इंजन ब्रेक, एग्जॉस्ट ब्रेक, रिटार्डर्स, गियरबॉक्स रिटार्डर्स, इंजन रिटार्डर्स को इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या होता है कि एग्जॉस्ट ब्रेक को ही अगर कोई ब्लॉक करे ना तो ये मतलब कि उसको थोड़ा थोड़ा करके छोड़े तो वो क्या होता है कि इंजन रेसिस्ट करता है, तो वैसे ही ये उसको कहते हैं एग्जॉस्ट ब्रेक। तो इसमें भी है एग्जॉस्ट ब्रेक, इंजन ब्रेक, तो गाड़ी खुद ही रुकती है बिना ब्रेकिंग के। जैसे अभी मैं ये जा रहा हूँ, मैंने तेज छोड़ी गाड़ी, अगर मैं रेस छोड़ दूंगा इंजन ब्रेक मेरी ऑन है, ये देखो गाड़ी खुद ही स्लो होगी और एग्जॉस्ट ब्रेक की आपको आवाज आएगी, गियर भी खुद डाउन होंगे। तो हाँ ये सब है। बाकी अगर वैसे तो ट्रक बहुत पुराना है ये, बट ठीक है, बेड बहुत प्यारा है इसका, ये इसका एक क्वीन साइज बेड है, तीन चार जने आराम से लेटते हैं और मेरे घर से जो घर का बेड है कहता है ना उससे ज्यादा कंफर्टेबल कहता है इसका। So guys, finally, आज वो दिन आ गया जब हम अपना काला Scania Prime Mover जो है उसको पिक करने जा रहे हैं। ठीक हो गया वैसे डेढ़ दो हफ्ते का, पर हमने पिक नहीं किया था, हम इतने लेजी थे क्योंकि बिजी भी थे थोड़ा। तो आज अभी अपन जा रहे हैं कैमरी में, अपनी गाड़ी आपको पता अभी तक ठीक नहीं हुई तो मैं चलाना नहीं चाहता ज़्यादा उसको, फिल्टर वगैरह डला के फिर ही चलाएंगे और निकलते हैं यहाँ से, उसको पिक करते हैं, आपको दिखाता हूँ, वॉश कराते हैं, उसको रजिस्टर भी कराना है, अभी इस टाइम रजिस्ट्रेशन उसकी फिनिश हो गई है, तो होपफुली मिल के आपको दिखाता हूँ। गाइस फाइनली हम अपना द रियल ब्लैक बुल इसको पिक करने आ गए हुए हैं, रेडी हो गया हुआ है आखिरकार। डेढ़ दो महीने के बाद इसका रीबिल्ड इंजन वेरी क्लीन, सब कुछ रेडी है, और अभी इसमें कुछ नहीं रहा काम कराने का, ये थोड़ा सा इसको बंद करना पड़ेगा कुछ तो इससे, बाकी हाँ रेडी इसको कराते हैं। दो महीने से खड़ा हुआ, तीन महीने से इसको अभी क्लीन कराते हैं प्रॉपर, तो उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसा लग रहा है। पर अभी काला रंग देख रहे हो ना, बहुत सुंदर है, तो वॉश करके दिखाता हूँ कैसा लगेगा। तो गाइस फाइनली थोड़ा सा ना एक बार लास्ट में फिर से टॉप अप कर रहे हैं, और ये ना ग्रिल अच्छे से बननी हुई थी तो बंद करने लगे, और आपको एक चीज़ दिखानी है, तो सोचो दो महीने से खड़ा है, कहीं पानी के पास होगा, मॉइस्चर होगा इसके ऊपर, इसके ऊपर जंग लग गया चाबी के ऊपर। तो इमेजिन करो कितनी देर से ये खड़ा होगा। तो अभी थोड़ा सा टॉप अप करते हैं, अंदर से भी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, ये देखो अंदर से भी बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा, तो इसको भी क्लीन करेंगे आज। ये देखो ये कहाँ गिर रहा है भाई साहब, आ जाओ, ये हमने फिक्स कर दिया। और आपको दिखाता हूँ मैं एक चीज़ और, ये देखो हमारी तरह बेचारा कोई और कंपनी का भी प्राइम मूवर आया है, बट ये छोटा है, ये है 560 हॉर्स पावर, तो ये बहुत सिंपल होता है। इसका देखो ड्राइवर इतना बेवकूफ़ था, उसने क्या किया कि टॉप अप कर रहा था ऑयल, तो 5 लीटर पानी डाल दिया। ये आपको इसका पिस्टन दिखाता हूँ, ये देखो कितना डैमेज हो गया है, लाइनिंग फक्ड अप हो गई थी, ये इसके कनेक्टिंग रॉड्स, तो पिस्टन देखो फकअप हो गया, बट ये इसका ब्लॉक भी बड़ा है बट उसके कंपेरिजन भी थोड़ा छोटा है, और कितना कम मैसी है, मेरा वाले में बहुत सामान है। देखो इसका टर्बो भी खोलना नहीं पड़ा, तो बहुत सिंपल है ये वाला, और 730 हॉर्स पावर वाले, और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप इमेजिन करो कि इसको $30,000 लगते हैं रीबिल्ड करने में, मेरे वाले को लगे अराउंड $48,000, सो यू कैन इमेजिन द बिग डिफरेंस। ये रहे बाकी के, इसके इंजेक्टर्स, इसके रॉकेट कवर्स, तो हाँ फ़र्क तो है। चलो मिलते हैं फिर आगे, अपना तो रेडी हो गया और देखते हैं क्या है आगे। बस चाबी से ना हम रस्ट उड़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमने डिग्रीजर लगा के इसका रस्ट गायब कर रहे हैं, तो गायब करते थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, ऐसे ना पता नहीं काफ़ी टाइम लगेगा, जब इनिशियल में डालेंगे तो वहाँ पे भी थोड़ा रंग रहेगा, तो इससे अच्छा ना हमने ये ब्रश से इसको निकाल रहे हैं थोड़ा। गाइस पहले सेल्फ में स्टार्ट हो गया अगला, तो वेरी हैप्पी अबाउट इट। ये क्या है, ये मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत है। आज इसका फायर एक्सटिंग्विशर ये अंदर मार के इसको करते हैं आज प्रॉपर क्लीन, पर हाँ आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली रोड पे आ गया।
तो गाइस फाइनली आ गए हैं, वॉश करने को लगा दिया हुआ है, चार पांच बंदे लगे हैं, जल्दी जल्दी वॉश हो जाएगा। अब बहुत सुंदर लगेगा, ऐसे आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये सुंदर कितना ट्रक है ना, तो वॉश हो जाएगा तो पता लग जाएगा आपको। तो कैसे वॉश होगा आपको दिखाते हैं, आगे और भी ट्रक लगे हुए हैं और ये देखो जब वॉश होएगा ना प्रॉपर फिर मैं आपको दिखाऊंगा कितना सुंदर लग रहा है। अभी लग गया वो वॉश होने के लिए, जब पूरा वॉश हो जाएगा, अभी पहले बाहर था, बाहर से अंदर लेके आ गया हूँ, अभी जब वॉश हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ भाई कैसा लग रहा है। तो गया फाइनली कंपनी में, ले ओ भाई है ना, चमक रहा है ना, लग रहा नहीं है ना वही ट्रक है, तो अच्छा वाला लग रहा है। और बहुत मतलब ब्लैक कलर ना बहुत एग्रेसिव लगता है, खासकर ये वाला, और देखो ना ब्लैक है, और मेरे पास इसके लिए पूरा काले रंग का एक बी डबल का सेट भी है, तो उस काले के साथ ये काला प्राइम ओवर जाएगा। अब देखो ये मेरे पास व्हाइट है, व्हाइट के साथ व्हाइट जाता है तो कितना सुंदर लगता है, अब ये ब्लैक के साथ पूरा ब्लैक जाएगा, वाह। अब जब वो सेट लग जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस ये फिक्स हो गया, सब फिक्स हो गया, ये करनी है अभी अभी ये, इसको छोटा सा काम है, इसका हॉर्न फिक्स करना है, हॉर्न नहीं चल रहा, बाकी सब चल रहा है इसका, बाकी ये भाई ने कूलेंट वगैरह जो इनके चेन ये पार्ट्स वो निकाल दिए, और बॉक्स भाई ये बॉक्स भी निकाल दो दोनों, ये सब ले जाता हूँ मैं, आपका फ़ैन भी ठीक कर देता हूँ, जो आपको लगता है कि गंदा है इसमें वो भी निकाल दो, मैं फिक्स कर देता हूँ। हाँ जी क्या कह रहे हो, मैं वो ही सर। अभी इसका हम हॉर्न फिक्स करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं, पर क्योंकि इसका हॉर्न है इसके नीचे, देखते कौन से हॉर्न है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक हॉर्न है या फिर हॉर्न है। चलो हम काट लेते हैं, ये हमने एक बम्पर खोल दिया है, रॉड हमारी बेंट हो गई है, खोल के भी देख नहीं रहा क्या है। ये रहा इसका हॉर्न, इसमें एक बेसिकली दो हॉर्न है, एक हॉर्न ये रहा इलेक्ट्रिक वाला और एक हॉर्न है भाई, इसके पीछे कोई सामान तो नहीं पड़ा, अगर कैबिन डिटेल किया जाए तो गिरेगा तो नहीं हैगा, है तो उसको आप मूव थोड़ा सा मूव कर दो सीट के पीछे, क्योंकि कैप टिल्ट करनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि गाइस हॉर्न बहुत चैसी के अंदर है, आई थिंक इसमें एयर हॉर्न भी है, हाँ वो रहा एयर हॉर्न भी है, एयर हॉर्न तो नहीं चल रहा आई गेस, चलो कोई ये दोनों में से एक चलाना हमने, क्योंकि हॉर्न ज़रूरी है, यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं पड़ती बट आपको पता ही है यहाँ पे डिफेक्ट बहुत जल्दी मिल जाता है हॉर्न्स का, तभी इसको डिफेक्ट मिला है कि भाई इसका हॉर्न नहीं चल रहा, बाकी सब ठीक है। पर बहुत दूर है, मुश्किल काम है, तो होपफुली ये मेरे को लगता है नीचे से ही होगा, यहाँ से तो नहीं पहुँच पा रहे और इंजन बहुत ज़्यादा गर्म है तो कहीं हाथ भी नहीं लग रहा, हम वहाँ से ही करते हैं सर, यहाँ से नहीं होगा कैब नीचे करके ना इसकी, पर यहाँ से वही नीचे जाना पड़ेगा ना, वो देखना क्या इसको हिला इसकी तार तोड़, देखो कैमरा इसकी तार तोड़ देखो हिलती है, एक ही और हाँ एक ही चाहिए बस, थोड़ा सा पीपी हो जाए बस वही चाहिए, देखो तार है ठोकी माड़ा माड़ा, जब एयर हॉर्न नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वड़ा है, ये है पर ये एयर हॉर्न है उस साइड, हाँ ये वाला, हाँ ये तार देखी, तार मुंडी ऊपर कर ली ना, ये और अभी कर, हाँ और मुंडी ऊपर कर ला, कैमरामैन बस कैमरामैन गगन के साथ बने रहिए, बस करो बस करो, रेज नंबर ला दी, रेज नंबर ला दी,
यहाँ पीछे जाके राइट नंबर लाने बस। जाना है एक बारी और गाइस, अभी छोटा सा ना इसका ब्लोअर मोटर होती है जो फैन की, एसी वगैरह ब्लोअर चलता है, हीटर चलता है, ये चेंज करना है क्योंकि इसकी खराब थी, ली काफी देर की थी हमने, ठीक नहीं चेंज नहीं करती। तो वो मोटर होती है बेसिकली ट्रक की यहाँ पे, अब इसका ये खोल रहे हैं पार्ट, उसके बाद फिर हम वो मोटर डाल। गाइस इसका ब्लोअर मोटर ये रही हमारे पास, ये बड़ी नई वाली, अब इसको हमने अनप्लग यहाँ से कर दिया है, बस ये दो तीन बोल्ट खोलने हैं इसके, वो हम खोलेंगे फिर जल्दी जल्दी से चेंज कर देंगे। तो ये पुरानी वाली खुल गई है, ये देखो हो मोटर से क्या गंद निकल रहा है, अभी ये नई वाली डाल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी ये लगा दिया हमने वैक्यूम, और ये लगा दिया इसका प्लग, किधर गया भाई प्लग, किधर गया, हाँ ये रहा प्लग, और इसको कर लेते हैं टेस्ट, चाबी ऑन है। गाइस ये चल पड़ा है, अगर ये कहीं मेरे हाथ से छूट जाए गिर जाए लगे कि भी बोल, लगा दी हमने, बस इसको वापस जोड़ना है, जो ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं है, बट ऐसे ही मन नहीं करता जोड़ने का, अभी मन है घर पे वापस जाने का। तो यहाँ पे रखे हमने सारे स्क्रूज, तो जोड़ते हैं, आपको मिलते हैं, अभी तो ये चल पड़ा है, ठीक है, ऑल गुड गाइस, टेक केयर। सो गाइस वर्कशॉप पे आ गए, ये अपनी स्कैनिंग के लिए लगी हुई गाड़ी, तो कोड्स बहुत सारे आए हैं देखो, जैसे एक्सेलेरेटर पेडल पोजीशन, उसके बाद थ्रोटल एक्चुएटर, टर्बो चार्जर, बूस्ट कंट्रोल सिस्टम। मेरे को तो लगता है ये इसी के यही प्रॉब्लम होगी कि जो इसका मैप सेंसर है वो, जब क्योंकि एयर फिल्टर नहीं है, एयर ज़्यादा जा रही है कम जा रही है उसकी वजह से आ रहा है, बाकी तो सारे EGR वगैरह के ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल डिवाइस वो सब फाल चुके हैं, या अभी ये तो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो हम इसमें पहले सबसे काम कर रहे हैं कि एयर फिल्टर डाल रहे हैं, एयर फिल्टर डालने के बाद फिर हम चेक करेंगे, क्योंकि एयर फिल्टर हमने खोल दिया, ये देखो एयर फिल्टर ही नहीं है, इसके अंदर एयर फिल्टर डाल के फिर ट्राई करते हैं कि अगर डिलीट करके एयर कोड वापस आता है कि नहीं आता, ठीक है गाइस।